हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर 2307 में आपका भरे दिल से स्वागत है। जैसे कि देख सकते हो कि मनक्सिया का क्वार्टर फोर रिजल्ट जो है आपका आउट हो चुका है, और साथ ही साथ क्वार्टर फोर रिजल्ट में प्रॉफिट हुआ है 20% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो 38 करोड़ के आसपास होता है। तो मनक्सिया लिमिटेड क्या है, एक ट्रस्टेड नेम है मेटल इंडस्ट्री, मेटल प्रोडक्ट का, ये आप सबको पता होगा। रिलीज़ किया है क्वार्टरली आपका रिजल्ट जो जनवरी मार्च से है, और फाइनेंशियल अकॉर्डिंग टू फीलिंग दिस कंपनी कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट क्रॉस किया है 20%, जो 38 करोड़ के आसपास निकलता है। और साथ ही साथ आपका 31 करोड़ क्वार्टर एंडेड दिसंबर क्वार्टर में भी 31 करोड़ का हुआ था। द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी इंक्रीज़ किया है 8% का, जो 33 करोड़ का होता है, और ये पहले 31 करोड़ होता था आपको फाइनेंशियल ईयर 2022 में, मतलब एक साल पहले सेम क्वार्टर में 31 करोड़ होता था, उसमें से 3 करोड़ बढ़ चुका है, मतलब 8% बढ़ चुका है कंपनी का जो टोटल इनकम है। और कंपनी का टोटल एक्सपेंस देख सकते हो कि अच्छा खासा आपका बढ़ोतरी हुआ है, 262 करोड़ पहले होता था, वो बढ़ के हो गया 266 करोड़। और इसी के साथ साथ आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी क्लॉक्ड किया कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 107 करोड़ का, जो आपका फाइनेंशियल ईयर में आपका डाउन था 186 करोड़ का, तो उसमें से थोड़ा सा आपका क्लॉक्ड किया है नेट प्रॉफिट में, ये आपका देखना पड़ेगा। और बाकी कंपनी का एसेट जो है 1393 करोड़ के आसपास है, और मनीष का शेयर्स जो है 4% आपका हायर हुआ है, जो पिछले दिन ट्रेडिंग सेशन में हमें देखा गया था। और उसी के साथ साथ 1984 का कंपनी है, और बहुत ही स्टील एक्सपोर्ट करता है, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में स्टील एल्युमिनियम पैकेजिंग प्रोडक्ट्स को, और इसी के साथ साथ बहुत ही तगड़ा आपका कंपनी का काम काज अकॉर्डिंग टू वही स्ट्रांगली चलता है। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 20% मतलब 38 करोड़ के आसपास, एक मेटल इंडस्ट्री होते हुए। और एल्युमिनियम से लेके आपका मेटल जितने भी स्टील के प्रोडक्ट है सबको एक्सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो बहुत ही कामकाज अच्छा है, तो आपका नज़र होना चाहिए ऐसे स्टॉक में। तो वीडियो एनालिसिस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना आप ही का चैनल मनी मेकर 2307। थैंक्स फॉर वॉचिंग।